लोगों में से जो लोगों ने विरोध किया वो यहाँ के नहीं थे, उनके 12-13 लोगों के नहीं लोग नहीं थे, वो कहीं बागमारा साइड के थे, जो बागमारा जोन जो है टूंडी विधानसभा में कुछ क्षेत्र पड़ता है वहाँ के लोग थे, और उनका कहना था कहते टाइगर जरा मातो को उसमें पूरी तरह से हम फुल फिल बैठ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने चुना वहाँ पे। तो ये विरोध करना जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। हमें जनसलाब देखने को मिलेगी टुंडी, जिस तरह से डुमरी में जनसलाब देखने को मिली थी जस्ट लाइक, क्योंकि ये टाइगर जयराम मास्तो का अपना गृह विधानसभा क्षेत्र है और हम लोग वहाँ के प्रधान कार्यालय जो है वहीं से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो ये व्यापक और भव्य रैली होगा, जुलूस होगा, अब तक का सबसे रिकॉर्ड तोड़ होगा, क्योंकि नहीं होता है चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे पढ़ाई हो। और अगर बात रहा कि सुदेश महतो के आने की या फिर मथुरा प्रसाद महतो के आने की, तो देखिए इन लोगों ने जो जिन पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, अब मथुरा प्रसाद महतो को ले लेते हैं क्योंकि सिटिंग MLA है, क्या ये वादे पूरे कर पाए? 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा था, क्या हुआ? फुस हो गया। उसके बाद स्थानीय नीति का वादा था, क्या हुआ? फुस हो गया। नियोजन नीति का वादा था, क्या हो गया? फुस हो गया। हमारे लोगों को नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? कि चुनाव के टाइम में हम हमेशा देखते हैं, लोकसभा के टाइम में हम लोगों ने देखा, बहुत अनुभव से देखा कि यहाँ पर चुनाव के टाइम में ज्यादातर पैसा, दारू, मुर्गा, धोती, साड़ी, लुंगी, गमछा, 5 किलो 4, ये सब चीजें हावी हो जाती जो नहीं होना चाहिए था। जोहार, नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर। और अभी हम मौजूद है SSKB हाई स्कूल के ग्राउंड में, और हमारे साथ मौजूद है टुंडी के भावी विधायक श्री मोतीलाल महतो। और आज इसे जानेंगे कि कल जो कि इनका नामांकन है, तो क्या कुछ कितने संख्या में भीड़ होने वाली है और कितना मतलब जन समर्थन मिल रहा है टुंडी में? हालांकि ये तो जो कि डुमरी विधानसभा से हैं और जो कि अदला बदली कर लिए हैं, जाने का प्रयास करेंगे। वीडियो आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज में देख रहे तो फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले नमस्कार, जोहार है मात्र। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। तो आप बता सकते हैं टुंडी का इरादा क्यों? टुंडी का इरादा इसलिए था कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो है टाइगर जयराम महतो, वो लोकसभा में चुनाव लड़े थे और पूरा झारखंड में सबसे अधिक मत जो है वो डुमरी से प्राप्त हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि डुमरी में हम लोगों ने बहुत विगत दो सालों से हम लोगों ने तैयारी किया था जिसका परिणाम आया। तो इस कारण से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते होता है कि सबसे पहले उनको हम लोग एक अच्छा मत प्राप्त होने के नाते हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया। उसके बाद टाइगर जयराम महतो का निर्देश आया कि आप डुमरी का हैं और हमारे संघर्ष का साथी रहे हैं, हम लोग ने आज 3 सालों से एक साथ संघर्ष किया है, एक साथ चले हैं, एक साथ केस खाए हैं, एक साथ सभी चीज़ें किए हैं, केस खाने की बात हो तो एक साथ हुआ है, विधानसभा घेराव की बात हो तो एक साथ हुआ है लोग, और मुख्यमंत्री आवास घेराव हो तो एक साथ, सत्याग्रह एक साथ, मतलब सारे कार्यक्रम हम लोगों ने एक साथ किया है। तो हम चाहते हैं कि हम अगर आपका घर आए हैं तो आप मेरे घर शिफ्ट हो जाइए। और इसी तरह से हम लोग ने अपने वो जो है डुमरी विधानसभा आ गए और हम टुंडी विधानसभा चले गए। अच्छा, लोगों का कहना है कि मोतीलाल जो कि डुमरी में अहम योगदान दिए थे, तो यूट मतलब टुंडी ही क्यों चुन लिए और जयराम महतो को यहाँ बदला बदली मतलब क्यों कर लिए? उनका आदेश था कि यहाँ से हम लड़ेंगे, तो उनका आदेश का पालन किया गया। और दूसरी और एक न्यूज काफी सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी कि आपको मतलब जमकर विरोध किया जा रहा है कि टुंडी से नहीं लड़िए, कारण क्या है? देखिए, एक बार जब हम लोगों ने दावेदारी पेश करने के लिए जो फॉर्म निकाला था उसमें 12-13 लोग थे, उन लोगों ने फॉर्म भरे लेकिन हम वहां पर सिलेक्टेड हुए, तो कुछ लोगों के अंदर नाराजगी रह जाती है, लेकिन वो 12-13 लोगों में से जो लोगों ने विरोध किया वो यहाँ के नहीं थे, उनके 12-13 लोगों के नहीं लोग नहीं थे, वो कहीं बागमारा साइड के थे, जो बागमारा जोन जो है टूंडी विधानसभा में कुछ क्षेत्र पड़ता है वहाँ के लोग थे, और उनका कहना था कि आप फॉर्म नहीं भरे तो हम यहाँ क्यों लड़ रहे हैं। तो हमने उनसे सवाल भी पूछा था, पर वो वीडियो में नहीं है, हमने सवाल कहा था कि देखिए विरोध आपको किसको करना चाहिए, आप किसका कर रहे हैं, क्या आपने पूर्णिमा नीरज सिंह का कभी विरोध किया? वो बाहरी है, कभी विरोध नहीं किए। अगर आप में हिम्मत है उसका विरोध कीजिए। कभी आपने अनूप सिंह का विरोध किया? वो बाहरी है, उसका विरोध कीजिए। हमने कहा राज सिन्हा का कभी आपने विरोध किया? नहीं किया। रविंद्र पांडे का कभी आपने विरोध किया? नहीं किया। और भी बहुत सारे, बन्ना गुप्ता का आपने विरोध किया? नहीं किया। इस तरह से कितने जाने लोग हैं जो बाहर से आए हुए विधायक और सांसद बन गए। यहाँ पर लगभग 17 जो है विधायक सांसद लगभग जो है झारखंड में बाहर के लोग आके बने हुए हैं, तो उन लोगों का कभी, इन लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन एक झारखंड का बच्चा, झारखंड का ही एकदम नजदीकी हमारा विधानसभा क्षेत्र, डुमरी विधानसभा क्षेत्र और टुंडी विधानसभा क्षेत्र दोनों लगा हुआ है, हमारा डुमरी के क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर जाएंगे तो टुंडी विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाएगा, जो है कि टुंडी विधानसभा में हुआ है, लेकिन लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। हम स्थानीय होते हुए, खतियानी होते हुए, 1932 का होते हुए भी हमारा विरोध कर रहे हैं। अरे आप में अगर टैलेंट था, आप में अगर गुण है, हमें क्यों वहां चुना गया टुंडी के? क्योंकि हमने वैसा संघर्ष किया। 3 सालों में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसा कोई आंदोलन नहीं जिसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया हो।
ऐसा जो 10 कॉलम बनाए गए थे टाइगर जरा मातो को, उसमें पूरी तरह से हम फुलफिल बैठ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने चुना वहाँ पे। तो ये विरोध करना जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। आप हमारे, हम कहीं के बाहरी नहीं है, हम यहाँ के झारखंडी स्थानीय खतियानी है। टुंडी विधानसभा में काफी भ्रमण भी कर चुके हैं आप, कितना लोगों का जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, जन सैलाब तो बहुत जोरों से मिल रही है और जन समर्थन भी बहुत जोरों से मिल रही है, क्योंकि कहा जाता है, ऐसा हम नहीं मानते, ऐसा जनता लोग मानती है कि अगर जयराम महतो इस आंदोलन का पहला चेहरा है तो दूसरा चेहरा जयराम महतो मोतीलाल महतो को माना जाता है। तो अगर डुमरी को पहला चेहरा, फर्स्ट चेहरा मिला है, तो टुंडी को दूसरा चेहरा मिला है, तो बहुत 99.99% लोगों ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। 0.01% तो लोग रहते ही हैं विरोध में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और राजनीति का एक नियम है कि आपको विरोध नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जहां जाइए वहां विरोध नहीं होगा। अगर हम टुमरी में भी उतरते तो विपक्ष के लोग विरोध करते, तो विरोध लाजमी है, सभी सेक्टर में लाजमी है, तो विरोध होना ही तय है। राजनीति में खास करके ये सब चीजें होता है, छोटी मोटी घटनाएं होता है। तो कल टुंडी में कितने संख्या में जनसैलाब देखने को मिलेगी? टुंडी जिस तरह से डुमरी में जनसैलाब देखने को मिली थी, जस्ट लाइक, क्योंकि ये टाइगर जयराम मास्तो का अपना गृह विधानसभा क्षेत्र है और हम लोग वहाँ के प्रधान कार्यालय जो है वहीं से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो ये व्यापक और भव्य रैली होगा, जुलूस होगा, अब तक का सबसे रिकॉर्ड तोड़ होगा। क्योंकि नामांकन की बात की जाए तो गोमिया से पूजा महतो भी कल ही नामांकन है, बेरमो से टाइगर जयराम महतो का है और आपका भी है, तो मतलब कैसे पब्लिक इधर उधर तो हो जाएगा? इधर उधर की बात नहीं है, सब देखिए, टुंडी विधानसभा वाला टुंडी विधानसभा में जाएंगे, उन रैली में जाएंगे, बेरमो विधानसभा वाले बेरमो वाले में जाएंगे, गोमिया विधानसभा वाले गोमिया विधानसभा के अपने प्रत्याशी के साथ जाएंगे, तो ये नहीं है कि जरूरी। कल के आपके जो कि नामांकन में जयराम महतो भी उपस्थित रहेंगे? हाँ, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो टाइगर जयराम महतो हैं, कल हमारे नामांकन में उपस्थित रहेंगे और 8 बजे जो रैली प्रारंभ होगी प्रधान कार्यालय से, वो मेरे साथ ही चलेंगे और डीसी ऑफिस तक पहुंचेंगे। लोकसभा की बात की जाए तो आप लोग को जो कि काफी संघर्ष रहा इस आंदोलन को लेकर, पूरा इलेक्शन को लेकर, विधानसभा में आप क्या कहेंगे? विधानसभा में देखिए क्या होता है कि उसमें लोकसभा चुनाव एक अलग मुद्दे के तहत लड़ा जाता है, अलग विचारधारा के तहत लड़ा जाता है, तो ये क्या होता है कि विधानसभा के मुद्दे जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनमें क्या मुद्दा होता है, राष्ट्रवाद की मुद्दा हावी होता है, धर्म की मुद्दा हावी हो जाता है, तो ये चीजें क्या होता है कि क्षेत्रीय मुद्दा उसमें गौण हो जाती है। और जो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे वो क्षेत्र के मुद्दे हैं, और क्षेत्र का मुद्दा जो है विधानसभा के चुनाव में वो देखने को मिलती है, इसलिए हम लोग प्रबल दावेदार रहेंगे और पुरजोर से हम उन बातों को उठा रहे हैं जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं। जैसे कि हमारा आज तक झारखंड अलग हो गया लेकिन उसको जो हक अधिकार उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, जैसे हमें झारखंड अलग हुआ तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए था कि हम झारखंड के हैं कि नहीं है, वो एक जमीन का दस्तावेज है जो इसको 1932 का खतियान बोलते हैं, उसके आधार पर या उसके सर्वे सेटलमेंट के आधार पर उसको परिभाषित होना चाहिए था, आइडेंटिफाई होना चाहिए कि झारखंडी कौन है। उसके बाद दूसरा बनना चाहिए था, उसके लिए नियोजन नीति बनना चाहिए था कि अगर 100 को नौकरी झारखंड में निकल रहा है तो 90 को नौकरी झारखंड के बच्चा का होगा, इस तरह का नीति बनना। फिर स्थानीय नीति, खनन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, ये सब चीजें होनी चाहिए थी जो 24 सालों के झारखंड में नहीं हो पाया, तो उसी की लड़ाई हम लोग लेकर निकले हैं और इन्हीं का जिक्र हम लोग अपने मंचों से भी करते हैं और इनकी मांग भी हमारा रहती है और हमारा जो मैनिफेस्टो है इस मैनिफेस्टो में भी यही मांग है हमारी। टुंडी विधानसभा की बात की जाए तो बड़े बड़े नेता जो कि पहले ही इलेक्शन लड़ चुके हैं, जैसे कि जेएमएम से मथुरा प्रसाद महतो की बात आ रही है और श्री सुदेश महतो की बात आ रही जो आसू से हैं, क्या उन लोगों को टक्कर दे पाएगी मोतीलाल महतो? देखिए, सब अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं, कोई एग्जाम मान लीजिए अभी जैसे सीजीएल का 6,45,000 लोगों ने फॉर्म भरा है और उसमें सीटें कितनी है 2,000 है, तो चांसेस कितना है, तो सब अपना अपना स्तर से, कहने का मतलब उनका जो तैयारी करने का स्ट्रेटजी रहता है छात्रों का, उसी तरह से जो कैंडिडेट विधानसभा में उतरे या लोकसभा में उनकी अपनी अपनी एक रणनीति होती है, अपना अपना एक प्लानिंग होता है, लड़ने का अलग अलग तरीका होता है, उनके अलग अलग मुद्दे होते हैं। हमारा मुद्दा है जो झारखंड के बच्चों का जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, वो मुद्दे हैं जिसके कारण से डायरेक्ट जो मुद्दे हम लोग उठाते हैं वो डायरेक्ट जनता के हिट कर जाती है, डायरेक्ट जनता के दिल में लगती है कि नहीं ये सही चीजें हो रही है, इसका शोषण, ये दंश हमने भी झेला है। तो ज्यादातर जनता जो है 80% जनता, 90% जनता लगभग हमारे पक्ष में है, 10% जनता जो उनके पक्ष में, तो क्या होता है कि हम अपने प्लानिंग के तहत लड़ रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी अपने प्लानिंग के तहत लड़ रहे हैं,
तो जनता जिसको सपोर्ट करके, जिनके मुद्दे अच्छे रहेंगे, जिनके विचार अच्छे रहेंगे, जिनकी स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी, वो जीत हासिल करेगी। बाकी कंपटीशन हर क्षेत्र में होता है, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे पढ़ाई हो। और अगर बात रहा कि सुदेश महतो के आने की या फिर मथुरा प्रसाद महतो के आने की, तो देखिए इन लोगों ने जो जिन पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, अब मथुरा प्रसाद महतो को ले लेते हैं क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए भी हैं और तीन टर्म के वहां पर रहे और उनकी सरकार भी है। लेकिन क्या ये मथुरा प्रसाद महतो जी क्या ये वादे पूरे कर पाए? 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा था, क्या हुआ? फुस हो गया। उसके बाद स्थानीय नीति का वादा था, क्या हुआ? फुस हो गया। नियोजन नीति का वादा था, क्या हो गया? फुस हो गया। प्राइवेट कंपनियों में 75% का वादा था, क्या हो गया? फुस हो गया। तो ये सारे उसके बाद भी 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या हुआ? फुस हो गया। मतलब उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे जो 56 वादे इन लोगों ने किए थे, जो मैनिफेस्टो में डाले थे, वो तक पूरा नहीं कर पाए। ये इतने मतलब, और अभी तक मथुरा प्रसाद महतो ने कभी एक बार भी आवाज नहीं उठाया कि 1932 का हत्यान क्यों नहीं लागू हुआ, नियोजन नीति क्यों नहीं लागू। तो इसको जनता नकार चुकी है, जनता एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। और जहां तक सुदेश महतो, सीधा सुदेश महतो एक तरह से, अब देखिए कहां, मेरा तो कम से कम टुंडी विधानसभा, डुमरी विधानसभा पड़ता है, दोनों पड़ोसी हैं। लेकिन ये क्या कौन सी बात हुई कि पैराशूट हो सिल्ली, जहां उनका गढ़ माना जाता है, वो सिल्ली छोड़ के टुंडी आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो कार्य, विकास के कार्य हैं, जो जीतने के बाद वो नहीं कर पाए, असफल रहे, जनता वहां असंतोष जता रही है, उनका विरोध कर रही है, इसलिए वो सिल्ली छोड़ के डुमरी आ गए हैं। अंतिम प्रश्न रहेगा, पूरे झारखंड और टुंडी की जनता को मतलब क्या निर्देश रहेगा? हाँ, टुंडी की जनता और पूरे झारखंड के प्रदेश के जनता को एक मेरा संदेश रहेगा कि देखिए 24 साल का झारखंड हो गया है, 24 साल में एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी बुद्धि विवेक आ जाता है। पर झारखंड अलग हुए, 24 साल हुआ, लेकिन आज तक हमारे लोगों को नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया कि चुनाव के टाइम में हम हमेशा देखते हैं, लोकसभा के टाइम में हम लोगों ने देखा, बहुत अनुभव से देखा कि यहाँ पर चुनाव के टाइम में ज्यादातर पैसा, दारू, मुर्गा, धोती, साड़ी, लुंगी, गमछा, 5 किलो 4, ये सब चीजें हावी हो जाती, जो नहीं होना चाहिए था। कभी भी अगर हमें वोट देना है तो वोट दें, ना वोट देना है तो ना दें। लेकिन एक बात को समझिए, एक बात को गांठ बांध लीजिए, ये जो मैया सम्मान योजना जैसे प्रलोभन जो है, इस सब चीज पर फंसकर वोट ना करें। तो अब जनता क्या करेगी, वोट कैसे करेगी और किसको करेगी? तो मैं बता रहा हूँ, वोट उसको करें जो आपके बाल बच्चों के हक अधिकार की बात करता हो। वोट उसको करें जो आपके बाल बच्चा अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए इलाज पानी की, हॉस्पिटल की, दवा की, डॉक्टर की बात करता हो। वोट उसको करें। वोट उसको करें कि आपके बाल बच्चा अगर पढ़ लिख लिए तो उसके लिए कौन रोजगार की बात करता है, कौन उसके लिए नौकरी की बात करता है, कौन उसके भविष्य की बात करता है। वोट उसको करें। अगर ये मुद्दे बनाकर, ये कम से कम ये 3 मुद्दे बनाकर अगर जनता वोट करती है तो आने वाले दिनों में चेंजिंग और बदलाव देखने को मिलेगा। अगर जनता नहीं कर पाती है तो जिस तरह से भारत आजाद होने के बाद 75 सालों से जो दंश झेल रहे हैं, झारखंड अलग होने के बाद 24 साल बाद भी जो अलग ये दंश झेल रहे हैं, आने वाले 100 साल तक भी झेलता रहेंगे। इसलिए सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जानना पड़ेगा कि अगर 500 रुपया लेंगे, एक पार्ट दारू देके वोट करेंगे, तो वो जो नेता बनेंगे, वो जो लीडर बनेंगे, वो तो चोरी करोड़ों में 500, आप 500 आपकी औकात थी 500 टका का, आपने 500 टका चोरी किया, उनके औकात हो जाएगी 500 करोड़ की, वो 500 करोड़ चोरी करेंगे। तो सबसे पहले आपको सुधरना पड़ेगा, सबसे पहले अगर परिवर्तन लाना है तो अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि मोतीलाल महतो या जेलकम को ही वोट करें, या हम नहीं कहते कि केची छापर ही वोट करें, आप किसी को भी वोट कर सकते हैं, पर ये प्रलोभन के फंसकर वोट कभी ना करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ बात था टुंडी विधानसभा के भाई विधायक मोतीलाल महतो का। आप लोगों को क्या लगता है, क्या टुंडी विधानसभा से मोतीलाल बाजी मार पाएंगे, और कौन कौन विधानसभा से, कौन से जेलकेएम के प्रत्याशी बाजी मारेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।